वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में कोर्ट मैनेजर की वैकेंसी निकली है सिविल कोर्ट की, और ये जिला स्तर पर वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये लिंक एक्टिवेट किया गया था आपके इस पोस्ट के लिए जो कि कोर्ट मैनेजर का पोस्ट था, और ये आज से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है जो कि 7 अगस्त है आज, और आज से आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं और भर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोसीजर यहाँ पे। इसको हम लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं इस पीडीएफ को। जैसे ही आप इस पीडीएफ पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करके आपको ये जो है लिंक यहाँ से दिया गया है। देखिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये याद दिलाने के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ कि फॉर्म का जो है आज से फॉर्म भरने का डेट एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ये लिंक है अप्लाई करने के लिए कोर्ट मैनेजर के पोस्ट के लिए, जिसका हमने आपको डिटेल एक वीडियो बना के अपडेट भी किया था कि इन सभी जिलों में ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं, और इसके लिए जो सैलरी स्केल क्या है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और साथ में इसका एज क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ सब जानकारी जो है मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करके दे दिया है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं देखे वीडियो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहां से चेक कर लीजिएगा। तो ये जो वैकेंसीज है दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आपको ये पेज पे लेके आ जाएगा, और यहाँ से जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने का जो डिटेल है वो आपको इन चरणों में है, जैसे कि आपका पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, दूसरा अपना पर्सनल डिटेल डालना होगा, तीसरा एजुकेशनल डिटेल, और चौथा अपना फोटो या सिग्नेचर अपलोड करना होगा और उसको प्रिंट कर लेना होगा। तो चलिए हम आपको जो है इन सभी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक के इस प्रोसेस को समझाने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या है ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। जैसे जैसे आपको ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाऊंगा, सारा प्रोसेस आप लोग देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले तो जितना भी इंफॉर्मेशन है इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन में दिया गया है आपको, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके पढ़ा देना चाहता हूँ इसको, कि कैंडिडेट हैज फर्स्ट रजिस्टर्ड हिमसेल्फ। आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है आपके पास। उसके लिए जो है ना एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पे कैंडिडेट से जो है यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करवाया जा रहा है जो कि कोर्ट मैनेजर के इस पोस्ट के लिए है। कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड द कॉन्टेक्ट नेम, करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड द मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ आपको करेक्ट करेक्ट भरना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट कुछ लिंक्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है इसके नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए, कि आप यहाँ से क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, या फिर इमेज अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन भी दे दिया गया है पहले कि आपको कितने केबी का इमेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डिटेल देखिए यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपका फोटो जो है रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों होना चाहिए, और यहाँ पे 50 से 100 KB का इसका साइज होना चाहिए, और सिग्नेचर का 10 से 20 KB का साइज होना चाहिए। अब ये दोनों ही जो है ब्लैक पेन में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और एक डिक्लेरेशन नोट दिया गया है जो कि आपको लिखना है अपने हैंड राइटिंग में, राइट डाउन द डिक्लेरेशन इन ऑन हैंड राइटिंग एज पर द एम्प्लॉयमेंट नोटिस। जो भी एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे दिया गया है उसको आप लोगों को अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। अब यहाँ पे आएंगे फिर से हम लोग, और यहाँ पे देखिएगा कुछ डेट्स दिए गए हैं, 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक इसका फॉर्म भरेंगे, क्योंकि लिंक एक्टिवेट रहेगा 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक आप जो है इसका पेमेंट कर सकेंगे। अब इसका फॉर्म भरने में कोई अगर दिक्कत आ रही है आपको, तो देखिए यहाँ पे जो है ना कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, और यहाँ पर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक अगर कोई दिक्कत होता है तो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर हॉलीडे नहीं होना चाहिए उस दिन, तो आप यहाँ पे इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके फॉर्म को भरने को लेकर अगर कोई दिक्कत सामने आती है तो, ठीक है। तो ये जानकारी तो आपको यहाँ से मिल गई, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है लॉग इन करना होगा। चलिए तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का लिंक खुल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आपको अपना जो है पोस्ट अप्लाई करना है, बताना है। तो यहाँ पे एक ही पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, फिर से उसको कंफर्म कर लेना है, नाम लिखकर दोबारा, और वही नाम दीजिएगा जो कि आपके जो है सर्टिफिकेट मैट्रिक में दिया गया है। अब यहाँ पे फादर नेम भी वही डालिएगा, इनके नाम के आगे देखिए ना मिस्टर एंड मिसेज मत लगाइएगा, है ना, नहीं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा यहीं पे और आपकी तैयारी बेकार हो जाएगी। माता का नाम भी आपको यहाँ पे डालना है, सिर्फ माता का नाम डालिएगा, मिस्टर मिसेस मिसेस श्रीमती श्रीमान ये सब मत लिखिएगा, है ना। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका मैट्रिकुलेशन वाला सर्टिफिकेट वाला होना चाहिए, और ये जो है आपका फॉर्मेट है, पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर, ठीक है। तो इस डेट में आपको डालना है, फिर आपका जो है जेंडर क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर है, ये आपको यहाँ से पता बताना है आप जो भी हैं। नेशनलिटी आपकी क्या है, ये इंडियन है या अदर कोई कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो देखिए सिर्फ इंडियन को यहाँ पे अलाउ किया गया है, यहाँ से क्लिक करके बताइएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, शादीशुदा है या फिर अभी भी
अनमैरिड हैं, तो ये जरूर बताइएगा यहाँ पर मैरिड हैं अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपसे आपका जो है वाइफ का नाम पूछेगा यहाँ पर, ईमेल एड्रेस पूछेगा यहाँ पर, जो कि एक्टिव ईमेल आईडी डालिएगा, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, कंफर्म ईमेल आईडी, फिर इसको दोबारा से डाल के कंफर्म बताइएगा, मोबाइल नंबर, चूंकि देखिए इसी पे ओटीपी आएगा और आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है कि एक्टिव किया जाएगा। कंफर्म योर मोबाइल नंबर, फिर से डालना अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बिहार, आप बिहार के स्थायी निवासी हैं यहाँ के, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही यस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कैटेगरी यहाँ पे देखिएगा आपका बहुत सारा ओपन हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो ये कर लीजिएगा। लेकिन अगर बहुत सारे कैटेगरी में यहाँ पे आपने बोल दिया कि आप बिहार से नहीं है, तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन सिर्फ अनरिजर्व ही डालना होगा आपको, क्योंकि ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन अनरिजर्व ही डालिएगा आप अपना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी में ही आइएगा अगर अदर स्टेट से आवेदन करते हैं तो। और यहाँ पे जो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कोई भी एक हो सकता है। सपोज आधार कार्ड आपने डाला तो आपका जो है उसका प्रूफ मांगेगा, डिटेल प्रूफ, तो आईडी प्रूफ का यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा, यानी कि जो भी आपका आधार नंबर है। और ये आपके मार्क्स, कोई पूछेगा कि चेहरे पे या हाथ पे, गले पे, कहीं भी कटे का निशान जो दिखने योग्य है, दिखाने योग्य है, यहाँ पे डालिएगा, आपकी पहचान के लिए मांगा जाता है। पीएच कैटेगरी से आते हैं, अगर 40% डिसेबिलिटी फुलफिल करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे आगे करके आगे बढ़िएगा। अगर यहाँ पे आर यू अ सर्विस एक्समैन, तो एक सर्विसमैन में है तो ठीक है, यहाँ पे डिटेल मांगेगा आपसे आपका, है ना, उसका आईडी नंबर आपका जो है वो डिटेल मांगेगा, तो वो आपको बताना होगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। फ्रीडम फाइटर से संबंधी हैं आप, जैसे कि नाती पोते हैं अगर आप, तो यस कीजिएगा, तो उसका डिटेल फिर मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा आपका, है ना, और नंबर नेम ऑफ इशू अथॉरिटी भी मांगेगा यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखलाना चाहता हूँ, जो कैटेगरी पूछेगा ना आपका, जैसे कि आप इंडियन, तो ये पूछ लेगा यहाँ से, ठीक है, कि आप इंडियन हैं या किस स्टेट से हैं, ये तो बता दिया। स्टेट वाला जो पूछेगा कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस, तो यस कीजिएगा। कैटेगरी पूछेगा, सपोज अगर आपने बीसी कैटेगरी यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी आपसे नहीं मांग रहा है, आपका जो है इसका डिटेल यहाँ पे नहीं भरना है, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो आपको बैकवर्ड कास्ट का या एनसीएल का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, तो ये आप जानकारी थोड़ा यहाँ से जरूर रखिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन फ्रीडम फाइटर से आप संबंधी हैं तो आपको उसका जो है डिटेल देना होगा। नो पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू अ बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप बिहार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको 3 साल रेगुलर जो है कंटिन्यूटी सर्विस किए हैं कहीं, या कोई भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, एफआईआर रिकॉर्ड रहा है आपके ऊपर, तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे नो पे क्लिक करिएगा, है ना, अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं तो नो पे, यहाँ भी नो पे, ठीक है। दोनों चीज मैंने बता दिया कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो अगर यस करेंगे यहाँ पे तो आपसे डिटेल जो है आपको लास्ट टाइम देना होगा, जब आप जो है इंटरव्यू देंगे तब, ठीक है। तो यहाँ परीक्षा वैसे भी नहीं है, सीधे इंटरव्यू है, सब कुछ इंटरव्यू में ही देखा जाएगा, तो जो भी डिटेल है आप यहाँ से भर के आई डिक्लेयर कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। चलिए इतना काम हम लोग करती हैं, अब जैसे सबमिट कीजिएगा आपको जो है ये पेज पे ले जाएगा, जो कि पर्सनल डिटेल वाला आपका पेज आएगा, फिर उसके बाद एजुकेशनल डिटेल आएगा, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है, फिर यहाँ पे प्रिंट निकाल लेना है, और एडमिट कार्ड जो है आपको जारी किया जाएगा दोस्तों आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि जानकारी यहाँ से दी जाएगी। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ सबमिट करेंगे, ये प्रिंट निकालने को आपको बोलेगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन आपने किया इसका प्रिंट ले लीजिए, तो आप प्रिंट ले सकते हैं यहाँ से, या फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, तो प्रिंट जरूर ले लीजिएगा। और 500 रुपया जो है इसका फीस पेमेंट लग रहा है, जो अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, ये पर्सनल डिटेल आपसे मांगेगा और एजुकेशनल डिटेल, फिर उसके बाद फोटो सिग्नेचर, और उसके बाद लास्ट में पेमेंट होगा यहाँ पे, तो ठीक है। मैं यहाँ पे जो है एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, फिर सबमिट करूंगा, फिर उसके बाद जो है एजुकेशनल डिटेल डालूंगा। चलिए दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल आप मांगेगा, तो आपने एड्रेस भर दिया। अब एजुकेशनल डिटेल में देख लीजिए, मैट्रिकुलेशन का डिटेल देना है आपको, आपका स्कूल का नेम, बोर्ड बोर्ड का नेम, कब पास किए थे, इस आपका मार्किंग क्या है, मतलब स्कीम, मतलब कि ग्रेड वाला है या परसेंटेज वाला है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो ये बताएगा आपको, है ना, ये देखिएगा परसेंटेज वाला डालिएगा, तो यहाँ पे फिर आप बोलेगा कि आपसे जो है कितना मार्क आप ऑब्टेन किए थे मैक्सिमम मार्क्स में, मतलब कितना टोटल मार्क्स था आपके परीक्षा का, परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा, डिवीजन क्या था आपका ये आ जाएगा यहाँ पे बताइएगा। तो सपोज मान लीजिए कि फर्स्ट डिवीजन है तो ये वाला क्लिक कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट नेम जो है ये पूछेगा, है ना, सर्टिफिकेट नेम बता दीजिएगा अपना क्या है, जितेंद्र कुमार है या फिर अविनाश कुमार है, जो भी आपका नाम है वो आपको बता देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है
ये आपका इंटरमीडिएट कहा जाएगा, इंटरमीडिएट डिटेल डालिएगा, स्ट्रीम पूछेगा आप किस बैकग्राउंड से थे, सपोज साइंस से थे तो यहाँ बताइएगा नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज जिस स्कूल से थे, आपका बोर्ड का नेम, पासिंग ईयर, स्कीम ऑफ मार्किंग और सर्टिफिकेट नेम, यहाँ पे जो है आपको अपडेट करना है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल मांगेगा, फिर उसके बाद जो है यही सब कुछ डालना है आपको यहाँ पे, और फिर जो है अगर आपने MBA वगैरह किया है तो उसका डिटेल दीजिएगा, है ना, ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जो है आपको बोला गया है, क्वालिफिकेशन में जो है MBA मांगा गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इसके इक्विवेलेंट आपने अगर कोर्स किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको यहाँ से इसलिए दे रहा हूँ ताकि हर वो चीज़ आपको क्लियर रहे, इसलिए यहाँ पे जो है रेड साइन दिया हुआ है ना, देख रहे हैं आप रेड साइन जिसका इसका दिया हुआ है, यानी कि वो नेसेसरी है आपको भरना है यहाँ पे। तो अपने कॉलेज का नाम, मतलब डिग्री क्या है आपका वो बताना है, डिग्री कोर्स MBA इन HR है, इन MBA इन मार्केटिंग है, फाइनेंस है, जो भी है आप यहाँ बताइएगा, अपने कॉलेज का नाम बताइएगा, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा, पासिंग ईयर बताइएगा कब पास किए थे, स्कीम ऑफ मार्किंग जो है यहाँ पे पूछा गया है तो आपको यहाँ से क्लिक करके परसेंटेज बता देना है, कितने मार्क्स में यहाँ पे आप पास हैं, ग्रेड वाला सिस्टम था तो ग्रेड बता दीजिएगा, CGPA वाला क्या ग्रेड रहा है आपका रिजल्ट में तो ये बता दीजिएगा, ये भी जानकारी आपको यहाँ से दे दें, कब पास किए थे ये ईयर बता दीजिएगा यहाँ से, और इसके बाद जो है इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या रहा है, मतलब उसका परसेंटेज भी निकाल के बता दीजिएगा, और सर्टिफिकेट नेम अपना डाल दीजिएगा यानी कि आपका नाम क्या था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोई अदर क्वालिफिकेशन है आपके पास चूंकि, तो उसके बारे में जरूर बताइएगा, जैसे सर्टिफिकेशन कंप्यूटर वगैरह का कोई कोर्स किए हैं 1 साल का तो वो भी बता दीजिएगा यहाँ पर, डिग्री कोर्स, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी जो भी है जहाँ से भी आपने किया हो। एक्सपीरियंस डिटेल देखिए जरूर बोलिएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट काम कर रहे थे, डेजिग्नेशन क्या है आपका, एक्सपीरियंस तब से कितना है, तो चूंकि यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस की बात कही गई है तो कैंडिडेट हैव मस्ट एक्सपीरियंस लिस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कि एक तो आपको 1 साल का डिटेल देना ही है जहाँ पे आप लास्ट काम कर रहे थे और वही दीजिएगा, है ना, और डेजिग्नेशन क्या रहा है आपका ये बताइएगा, और आपका जो है डेट ऑफ इशू क्या रहा है वहाँ पे, यानी कि ज्वाइनिंग का, है ना, तो ध्यान से यहाँ पे आवेदन करते समय ये सारी चीज डाल के सबमिट कर लीजिएगा। तो ये जानकारी यहाँ से मैं आपको भर के आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ूंगा तो अब जो है यहाँ पे आपसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करवाया जाएगा और उसके बाद प्रिंट फाइनली। तो चलिए मैं इसको भी फिलअप कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए एक चीज जानकारी मैं और दे दूं यहाँ पे कि जो सर्टिफिकेट नेम पूछ रहा है ना, मैंने यहाँ पे बोला कि आप लोग अपना नाम दे दीजिएगा, नहीं अपना नाम नहीं देना है, ये सर्टिफिकेट के नेम बताने, जैसे कि आपने इंटरमीडिएट आपने या मैट्रिकुलेशन किया है या फिर आपने 10th जैसे किया है तो SSC बहुत लोग जहाँ लिखते हैं, तो ये आपको जो है ना अपना सर्टिफिकेट नेम बताना है वहां पे, जैसे कि मान लीजिए कि मैट्रिकुलेशन है ना, तो ये मैट्रिकुलेशन आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, वही पे यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि इसमें क्या, तो इसमें जो है डालिएगा इंटरमीडिएट या फिर 12th क्लास या फिर जो है +2, 10th+2, यहाँ पे जो भी आपका जो आपने किया है, तो ये जानकारी आपको यहाँ से जो है ये ऐसे भरे जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि आपने सर्टिफिकेट नेम में ग्रेजुएशन जो भी किया है तो यहाँ पे बताइएगा इंजीनियरिंग, है ना, जो भी आपका मतलब सर्टिफिकेट पे खुद ही लिखा रहेगा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग क्या सर्टिफिकेट है, ये किसका सर्टिफिकेट है, या बैचलर ऑफ साइंस का सर्टिफिकेट है या बैचलर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट है, तो ये आपको यहाँ बताना है ग्रेजुएशन में। तो सपोज मान लीजिए कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के ये सर्टिफिकेट इन्होंने डाला है अपना, जिन छात्र का ये फॉर्म भरा जा रहा है, और किस में भाई तो कंप्यूटर साइंस में है, तो ये आप अपना लिख लीजिएगा, है ना, CSE या फिर कंप्यूटर साइंस पूरा लिख दीजिएगा यहाँ पर। MBA आपने जो किया है इसमें जो है क्या क्या, तो मास्टर इन जो है MBA इन HR, ठीक है, तो MBA इन HR है आपका, जो भी आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा वही डालिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ डाल रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म भराने के मकसद से जो है ये सारी डिटेल यहाँ से डाली जा रही है, ठीक है। एनी अदर क्वालिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे कोई भी रेड साइन नहीं दिया गया है, रेड साइन नहीं है इसका मतलब कि आप लोग जो है कोई भी रेड वाला चीज मतलब डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, तो इसको आप यहाँ से क्लोज भी कर लीजिएगा, नहीं है तो ये सारे डिटेल। लेकिन एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ मांगना है, जैसे कि लास्ट टाइम आपने कहाँ पे जॉब किया हुआ है, तो सपोज आपने TCS में जॉब किया हुआ है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, वहां पर डिजिग्नेशन क्या था तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का था, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का था। अब कितने साल वहां पे जॉब किए ये आपको टाइम पीरियड बताना है, कितने साल तक ये आप ये भी बताना है यहाँ पे, है ना, ये पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस और पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे दो दिया गया है तो आपको बताना है यहाँ पे, है ना, और अपना जो है नेम ऑफ इशूइंग ऑथोरिटी विथ द डिजिग्नेशन, आपका डिजिग्नेशन क्या रहा वहां पे ये भी बताना है आपको यहाँ पे, है ना, जिस ऑथोरिटी के तहत आपका जो है यहाँ पे था, जैसे कि मान लीजिए आप किसके अंडर में काम कर रहे थे, नेम ऑफ इशूइंग ऑथोरिटी जो आप जो है टीम के अंदर हैं या फिर आप खुद से जो है
एक फ्रीडम बॉडी है, ये सब जानकारी यहाँ से जैसे मांग रहा है। तो नेम ऑफ इशुइंग ऑथोरिटी विथ डेजिग्नेशन आपको अपना बताना है, क्या आपका डेजिग्नेशन है यहाँ पर, ठीक है। और डेट ऑफ इशू यानी कि कब आपका इशू हुआ है, आपका ज्वाइनिंग कब है, डेट ऑफ इशू ये बता देना है यहाँ पे। तो ये जानकारी यहाँ से मैं फिलअप कर देता हूँ इनका। यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ इशू ऑथोरिटी विद डेजिग्नेशन पूछ रहा है ना, तो आपको बताना है कि जो है आप किसके तहत, आप किस डेजिग्नेशन पे हैं, मतलब आप जो है इस कंपनी में किसके अथॉरिटी से आप जो है डेजिग्नेशन पे हैं। तो उनका जैसे कि उनका नाम जो जिन्होंने आपको रिक्रूट किया है, तो ये चार यहाँ पे डाल दीजिएगा, क्योंकि उनका एक मोहर लगता है, उनका सिग्नेचर लगता है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे। तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका है वो जो है किसके द्वारा बनाया गया है ये बता देना, एचआर के थ्रू है या फिर कंपनी सीईओ की तरफ से है, ये आपको जानकारी यहाँ से देनी है। तो यहाँ पे फिर सबमिट कर लीजिएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको आएगा कि आप अपना जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए। अब देखिए फोटो और सिग्नेचर का साइज जो है ना 50 से 100 KB का होना चाहिए, 10 से 20 KB सिग्नेचर का होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए, 10 से 20 KB यहाँ पे इंग्लिश वाला होना चाहिए, और उसके बाद जो है डिक्लेरेशन जो कि आपको देना है वो भी 50 से 100 KB का होना चाहिए, तो ये जेपीजी अब या पीएनजी वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं अपलोड कर देता हूँ और फाइनली इसका प्रिंट निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप अपना फोटो सिग्नेचर और अपना हैंड रिटन जो है अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा ये सारा डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। और यहाँ से जो है आप इसको प्रिंट पे क्लिक कर लीजिएगा, या फिर आप जो है इसका जो है सीधे, मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो इसका जो आप है प्रिंट निकाल लीजिएगा, या फिर आप सीधे यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन पे मेक पेमेंट करके ये अपडेट दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ से पेमेंट कर लीजिएगा। सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ से भर के बताया है, और ये एक आपके एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल भी सब कुछ नहीं दिखाया आपको। और स्टेट ऑफ बैंक ऑफ कलेक्ट से यहाँ से आपका जो है पेमेंट लिया जाएगा, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, आप जो है यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसका फॉर्म भर लीजिएगा यहाँ से पेमेंट करके फाइनली, और ये जो है इसका प्रिंट जरूर निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसका फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, बस एक आप लोग के फॉर्म भरने को लेकर बनाने के लिए एक वीडियो बनाया था जिसके जरिए मैंने आपको ये डिटेल सारा दिया है। कोई भी दिक्कत हो पेमेंट करने में मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना, आपका हेल्प जरूर किया जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।